टीचर ने भी कितना होमवर्क दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, बस मैं अकेली पढ़ाई कर रही हूँ। स्कूल में भी पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पे भी पढ़ाई करती हूँ, तो खेलूंगी कब मैं? मैं एक काम करती हूँ, होमवर्क बाद में करती हूँ, पहले मैं खेलने चली जाती हूँ। हाँ मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। एक मिनट रुको, तुम अपने होमवर्क वाली फाइल लेके आना। ठीक है, ये लीजिए। पकड़ो इसे। आज का होमवर्क, बाप रे, चार सब्जेक्ट का होमवर्क है तुम्हें। ये कब कंप्लीट करोगी? नहीं तुम खेलने वेलने नहीं जाओगी, पहले होमवर्क कंप्लीट करो। मम्मी मेरा होमवर्क हो गया। हो गया? हाँ, आधा मैंने स्कूल में किया, आधा मैंने अभी किया। अरे वाह, इतना जल्दी हो भी गया इतना होमवर्क। हाँ मम्मी वो तो ठीक है, अब मैं खेलने जाऊँ। हाँ अभी होमवर्क हो गया है तो तुम क्या, ठीक है जाओ खेलने के लिए। पक्का हो गया ना? हाँ मम्मी। ओके जाओ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। परी रुको रुको, अपना टिफिन लेके जाना, वो टेबल पे रखा है। हाँ मम्मी टिफिन में क्या है? रोटी सब्जी दी है मैंने। रोटी सब्जी? सब्जी कौन सी है वो तो बताओ। सब्जी मैंने दी है बैंगन की। बैंगन की? मम्मी मुझे नहीं चाहिए बैंगन की सब्जी। परी अगर तुमने टिफिन खत्म नहीं किया तो शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दूंगी जो फ्रिज में है। ठीक है मम्मी। ये रिसेस। ये चलो टिफिन खाते हैं। तूने क्या लाया? मैंने ना पनीर पराठे लाए। तूने क्या लाया परी टिफिन में? मैंने बैंगन की सब्जी लाई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं मैं एक काम करती हूँ, संकेत को बोलती हूँ मैंने टिफिन ही नहीं लाया, तो संकेत मुझे अपना टिफिन दे देगा। अरे परी क्या कब से ऐसे वहाँ देख रही है, क्या टिफिन में क्या लाया तूने? संकेत मैंने तो टिफिन ही नहीं लाया। अरे परी तूने टिफिन क्यों नहीं लाया? मेरा मम्मी की ना तबीयत ही खराब थी। अरे यार एक काम करते परी, मैंने ना 3 पराठे लाए टिफिन में, तो हम लोग शेयर करते हैं। मैं एक पराठा खाता हूँ, तू 2 खा ले, ये ले। और तू क्या खाएगा? अरे मैंने तो नाश्ते में बहुत सारे खाए थे ना, इसलिए मैं एक खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा लंच में। तू 2 खा बाबा, ये ले ये ले ये। थैंक यू संकेत। ले ले ले। मम्मी मैं घर पे आ गई। अरे वाह, चलो परी बेटा फ्रेश हो जाओ, तुमने अपना लंच बॉक्स खत्म किया। मैंने तो लंच खाया ही नहीं, अब क्या करूं इस रोटी सब्जी का? आइडिया, मैं काम करती हूँ, इस रोटी सब्जी को मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। हाँ हाँ परी चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मम्मी मम्मी आपने बोला था आप मुझे आइसक्रीम दोगी, आइसक्रीम? अरे परी मैंने बोला था शाम को आइसक्रीम दूंगी, और तुमने अपना लंच खत्म किया, रोटी सब्जी खाई? हाँ। दिखाओ। ये लीजिए। अरे वाह, पूरा लंच बॉक्स खाली कर दिया। हाँ मम्मी, अब आइसक्रीम? परी मैंने बोला था ना शाम को दूंगी मैं। मम्मी प्लीज ना। ठीक है चलो, अभी तुमने पूरा लंच बॉक्स खत्म किया है तो जाओ आइसक्रीम खा लो, जाओ। खाना भी खाना है तुम्हें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। तो आज है तुम्हारा रिजल्ट, और सबके रिजल्ट मैंने टेबल पे रखे, तो ले लेना। चलो ले लो संकेत, परी ले लो अपना अपना रिजल्ट। मैं अपना लाता हूँ। ये ले तेरा रिजल्ट। ये मुझे 70 मार्क्स मिले 100 में से। ये मैं पास हो गया। ये परी क्या हुआ, तुम मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कितने मार्क्स मिले तुम्हें? अरे क्या हुआ, तुम्हें तो सिर्फ 10 मार्क्स मिले 100 में से, इसका मतलब तुम फेल हो गई परी। ओह माय गॉड, और टीचर ने तो बोला है के रिजल्ट पे ना साइन लेके आना है, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलने ही वाला है कि तुम्हें 10 मार्क्स मिलके तुम फेल हो गई हो।
बाप रे पूरी, अब क्या करोगी तुम? क्या करूँ संकेत, अब मैं तुम्हें घर पे तो बताना ही पड़ेगा ना परी, साइन जो लानी है। अब क्या करूँ मैं? चलो बच्चों अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट करना, सबने साइन लाई है? हाँ हाँ मिस, ये लीजिए। परी तुमने तो अपना, तुमने साइन नहीं लाई? परी क्यों नहीं लाई तुमने साइन रिपोर्ट कार्ड पे? अरे मेरी मम्मी बाहर गई है। अच्छा तेरी मम्मी बाहर गई है? हाँ। फिर टीचर को बता दे तू। हाँ। परी चलो अपना रिपोर्ट कार्ड दे दो। टीचर क्या हुआ? मैंने साइन नहीं करवाई है। क्यों? मेरे मम्मी पापा गाँव गए। अच्छा ठीक है, काम करना, जब वो वापस आए तो उनसे साइन ले लेना। ओके ओके मिस। ओके चलो बच्चों अपने बुक्स निकालो। हाँ बोलो। अरे वाह नेहा को तो बहुत अच्छे मार्क्स आए। मम्मी मैं घर आ गई। अच्छा चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ तुम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ए परी एक मिनट एक मिनट, तुम्हारा रिजल्ट आया? नहीं मम्मी अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? ओके ठीक है, जब आएगा तो मुझे बताना। ओके मम्मी। चल जाओ। क्या करूं, मुझे तो पेपर में बहुत कम मार्क्स मिले और मम्मी बोल रही है रिजल्ट का है। क्या करूं, क्या बोलूं मम्मी को? मम्मी को बोलती हूँ मेरा रिजल्ट ही आया नहीं है। हाँ ठीक है मम्मी, मम्मी मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा पहले सुनो। क्या हुआ? तुम्हारा रिजल्ट नहीं लगा, बहुत टाइम हो गया। हाँ मम्मी, वो मिस है ना, वो छुट्टी पे गई है। अच्छा? हाँ उन्हें बहुत छुट्टी लगती है। अरे कैसे मिस है, पहले रिजल्ट देना चाहिए ना बच्चों का। हाँ ना मम्मी। मम्मी तो फिर मैं खेलने जाऊँ? आ जाओ। ठीक है। अरे भैया आपने क्या ऑर्डर भेज दिया? नहीं मैंने दूसरा। नमस्ते आंटी जी। अरे मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा हाय संकेत, कैसे हो तुम? हाय आंटी जी, वो परी कहाँ पे, हमें खेलने जाना था। अरे वो अभी नीचे चली गई, जाओ अब तुम्हें मिलेगी नीचे। अच्छा संकेत सुनो सुनो, वो तुम्हारी मिस वापस आ गई क्या छुट्टी से? मिस छुट्टी पे? नहीं हमारी कोई मिस छुट्टी पे नहीं है। अरे वो मिस जो तुम्हारे रिजल्ट बनाती है। अरे उस मिस को तो हमने रिजल्ट साइन करके भी दे दिया और उस चीज को एक हफ्ता हो गया आंटी जी। रिजल्ट लग गया तुम्हारा? कब का? लेकिन परी ने तो मुझे रिजल्ट दिखाया भी नहीं। आपको दिखाया नहीं? नहीं। हाँ क्योंकि आप बाहर गई थी ना, गांव गई थी ना, ऐसा ही परी ने बोला टीचर को। मैं गांव गई थी? आप गांव गई थी? परी इतना झूठ बोलने लगी ये लड़की। अच्छा संकेत तुम्हें पता होगा ना परी का रिजल्ट क्या लगा है? हाँ परी को 10 मार्क मिले 100 में से। परी फेल हो गई? हाँ आपको पता नहीं है? परी ने तो मुझे बताया नहीं ये बात। आंटी जी मैं जाता हूँ, मुझे मम्मी बुला रही है। और हाँ सुनो, नीचे परी मिलेगी, उसे बोलना मम्मी ने बुलाया है ऊपर। परी परी को ना हने दो, अभी मुझसे झूठ बोलती है। मम्मी आपने मुझे बुलाया? मम्मी मैं खेल रही थी ना। ओ परी मैं क्या सोच रही थी कि कल ना तुम अपने सारे दोस्तों को अपने घर पे बुलाने लगे। क्यों? मैंने सोचा है कि हम ना छोटी सी पार्टी रखेंगे और पार्टी में ना ढेर सारे गेम्स रखेंगे और तुम्हारे लिए ना डैडी न्यू टॉय भी लेके आए। हाँ मम्मी। हाँ तो मैं क्या सोच रही थी, मेन्यू क्या रखे, पिज्जा या बर्गर या फिर फ्राइज, आइसक्रीम कौन सी रखे, चॉकलेट या फिर वेनिला? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। हाँ और पिज्जा और बर्गर दोनों रखते हैं ना। हाँ ठीक है। तो तुम ना अपने सारे दोस्तों को बुलाना घर। ओके ओके मम्मी। हाँ जाओ अभी जाओ तुम। ठीक है बाय बाय। परी को ना बहुत अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा, कितना झूठ बोलती है, झूठ बोलना गलत बात होती है। हाँ शीला बस मैं निकल ही रही हूँ 5 मिनट में, मैं 5 मिनट में नीचे मिलती हूँ तुम्हें। ठीक है? हाँ हाँ हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। चलो ओके। क्या हुआ? मम्मी मैं पार्टी के लिए रेडी हूँ। कौन सी पार्टी? आपने तो बोला कल हम बड़ी पार्टी करेंगे, पिज्जा मंगाएंगे, बर्गर बनाएंगे, आइसक्रीम भी मंगाएंगे।
मैंने ये कब बोला? आपने बोला था मम्मी। मैंने कब बोला ये? मम्मी प्लीज आप याद करो। देखो परी, मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए, और मैंने फ्रिज में खिचड़ी रखी है, बाद में तुम गर्म करके खा लेना, ठीक है? मम्मी तो भी मेरे फ्रेंड्स आ रहे, वो क्या खाएंगे? खिचड़ी खाएंगे वो? अरे खिचड़ी तो मैंने बस तुम्हारे अकेले के लिए बनाई है, तुम अपने दोस्तों का देख लेना, मैं जा रही हूँ। मम्मी सुनो ना, आपने बोला और आप झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, और आप भी बोल रहे हो झूठ बोलना गलत बात होती है। ओ, तो झूठ बोलना गलत बात होती है? हाँ। अच्छा, तो जो तुमने मुझसे झूठ बोला वो क्या था? कौन सा झूठ? ओ, तुमने क्या बोला था कि रिजल्ट तो लगा ही नहीं है, मिस गई है छुट्टी पे, और तुमने मुझे भी गांव भेज दिया। मम्मी आपको पता चल गया? परी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम झूठ बोलोगी ना तो झूठ एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। देखा, तुमने एक सच छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोले। मुझसे झूठ बोला, टीचर से झूठ बोला, संकेत से झूठ बोला। क्यों ऐसा किया तुमने? सॉरी मम्मी, अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगी। देखो परी, तुम ना सच को कितना भी छुपाओगी ना, वो छुप नहीं पाएगा, एक दिन वो सामने आ ही जाता है, इसलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, समझी? तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ना मैंने भी यही किया, झूठ बोला तुमसे। देखा कितना बुरा लगता है, लगता है ना? अब से तुम झूठ बोलोगी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई भी करना। ठीक है मम्मी। अभी तो पार्टी कैंसिल हो गई है। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए पिज्जा और बर्गर मंगा के रखा है, क्योंकि आगे से अगर तुम झूठ बोलोगी ना तो देखना। तो गाइस, परी को तो पता चल गया है कि झूठ बोलना बुरी बात होती है। कुछ भी हो जाए, हमें सच बोलना ही चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो बाद में आपके पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को तो पता चल ही जाएगा सच क्या है, फिर उन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा है कि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो वो जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के ग्रे कर देना। और हाँ, हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तब तक के लिए बाय। Chow, chow.